कई क्वेश्चन फ्रंट बा जना फ्रंट पर जनता दल यूनाइटेड टूट के कगार पर खड़ा बा। अब नीतीश कुमार खातिर को बड़ा चुनौती बा ओकरा के संभारे के भी। नीतीश कुमार तीनों गठबंधन के जो मीटिंग भइल ओकरा से संतुष्ट ना नजर आइले। नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जल्दी तय करे खातिर काहे दबाव बनावत रहे। गोड़ा तनी हेरा से अभिनंदन बा खूंटा ठोक और दू गो लाइन से फिर शुरू कर तनी कि शहर के आबो हवा कुछ ठीक नहीं खे। शहर के आबो हवा कुछ ठीक नहीं खे निजाम बदलो पे, निजाम बदलो पर हालात निक नहीं खे। गोड़ लगा तनी एक खाली फिर से रुआ लोके माफी के साथ कि बीच में बड़ा गैप हो जाता लेकिन कोशिश रही कि अब रुआ लोग सामने लगातार हम आए। खैर बिहार और देश के राजनीति में बहुत सारा उथल पुथल है बीच में भइल बुरू है जौन बतावल रुवलों के सामने जरूरी रहा है और बात भी रखल जरूरी रहा कि आखिर रउआ का सोचतनी और एकरा पर हमार का सोच बा। कारण कि राउर सोच तो लगातार कमेंट के माध्यम से आ रहा बा लेकिन ओकरा पर प्रतिक्रिया जौन बा जौन राजनीतिक दल के आ रहा बा वह बड़ा मस्त बा। मस्त ऐसे हम कह रहा बनी कि आवे वाला 2024 के चुनाव में अब ई साफ नजर आ रहा बा कि इतना आसान होके वाला नहीं खे। ये सारा बात के लेकर के इन्हें जो बीच में 24 घंटा के अंदर में जो माहौल बदलल है वो खाली फिर से बिहार के राजनीति में इस सोचे खाती और चर्चा के विषय बन गई बा कि का नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ एक खाली फिर से दोस्ती हुई में पैचअप हुई। अगर वो पैचअप भइल तो ओकरा बाद के कहानी का हुई। हालांकि एकदम बिल्कुल कयास बा हाइपोथेटिकल बा लेकिन ओकरा बावजूद चर्चा से रुआ भाग कहाँ सकिले। चर्चे में तो सब बा अगर चर्चा ना रहित तो देश ना रहित। चर्चा और चर्चा से निकलल बात कहीं ना कहीं एक जगह आकर के या तो सत्य हुई ना तो असत्य हुई। बिहार में खाली फिर से बात के चर्चा शुरू हो गई बा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गई ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकर मुलाकात भइल और जो उनकर तस्वीर सामने आई जो चेहरा के भाव आई वो ना तो पटना में नजर आई जब INDIA गठबंधन के बैठक भई रहे ना बंगलोर में नजर आई जब INDIA के गठबंधन के बैठक भई रहे ना वो महाराष्ट्र में नजर आई जब गठबंधन के बैठक भइल और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के अले। नीतीश कुमार तीनों गठबंधन के जो मीटिंग भइल ओकरा से संतुष्ट ना नजर आइले। हालांकि कोशिश जरूर कइले कि वो संतुष्ट बाड़े लेकिन एगो वो घड़ी के तस्वीर रुआ उठाई और एगो जो अभी तस्वीर रुआ सामने बा वो तस्वीर के उठाई। ये दोनों तस्वीर में रुआ काफी अंतर महसूस हुई और ये अंतर में सबसे बड़ बात बा कि चर्चा के विषय यही से शुरू हो गई बा। एकरा में जो लगातार रुआ लोग से हम बतावत आ रहा बानी कि नीतीश कुमार के एक दिन बिहार से बाहर गईला और नरेंद्र मोदी के या कहल जाओ कि G20 के जो समिट रहे ओकरा में शामिल होके के चलते बिहार के राजनीति में खाली फिर से चर्चा हो गई कि का नीतीश कुमार एक खाली फिर से पाला बदली है। इस चर्चा के कारण बा कि सबसे पहला बात कि नीतीश कुमार के धीरे धीरे ये बात एहसास होके लागल बा कि वो गठबंधन गैर भाजपा गठबंधन के जुटावे के कोशिश तो कई ले लेकिन उकर फायदा उनका कितना मिलत रुए। राजनीति में बेमोल तोल के बेनाफा नुकसान के केहू कोनो काम करे ना। अब नफा नुकसान में नीतीश कुमार जौन अतना अपन टाइम बर्बाद कैले कई लोग के दरवाजा पर गईले जौन उनका चाही वो सम्मान भी ना मिलल। केहू भोजन करावल लेकिन बात ना मानल केहू बात मानल लेकिन भोजन ना करावल। ये सारा बात के मिला जुला करके नीतीश कुमार के मन में ये बात रहे कि उनका के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बना दिया जाओ। अब जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनावे वाला स्थिति ना भइल तो लालू प्रसाद के भी बात बुझा गई कि चल भाई कसहू इस सरकार के टाल टूल के आगे बढ़ा करके ले चल जाओ। लेकिन एकरों में बड़ा पेंच फंस गई और पेंच फसल के नीतीश कुमार जब बुझ गई है कि लालू प्रसाद अब उनका कुर्सी से ज्यादा उनका सीट पर नजर गड़ौले बाड़े जो लोकसभा के बा। नीतीश कुमार के 16 गो सीट बा एकरा पर बड़ी लोग के नजर बा।
और नीतीश कुमार खाती एहजे से नया कहानी के शुरुआत होता और नीतीश कुमार अपना के तैयार करे के शुरू कर देले बाड़े। दूसरा तरफ जौन सामने नजर आ रहा बा ओकरा में दो तीन को बात बड़ा महत्वपूर्ण बा। आखिर 2024 के चुनाव में अभी जब समय बा, गठबंधन बन गई बा, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच कर रहा बा, ए बीच में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जल्दी तय करे खातिर काहे दबाव बनावता रहे। ये बात रहो लोग के बुझा गई हुई कि नीतीश कुमार जब उनका कुर्सी पर से दबाव कम भइल लालू प्रसाद के, तो एक नया पैतरा जो कि कांग्रेस और लालू प्रसाद मिल करके नीतीश कुमार दिल्ली जैसे ही गई G20 के समिट में शामिल होकर खाती बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में ये दावा शुरू हो गई कि ना तो राष्ट्रीय जनता दल 2019 के समझौता के हिसाब से महागठबंधन के जन रहे उकरा से कम सीट पर मानी और ना कांग्रेस उकरा से कम सीट पर मानी बल्कि उकरा से बेसी सीट उकरा चाहिए। अब एजा मामिला जो बात उन फंस रहा बा और नीतीश कुमार खातिर एजे से नया कहानी शुरू हो रहा बा। एक तरफ नीतीश कुमार जो बार बार कह रहा बानी कि कमजोर हो रहा बाड़े, कमजोर ऐसे हो रहा बाड़े कि नीतीश कुमार के अब तक के राजनीति के इतिहास जोन बा वो लालू विरोध के रहा बा। लालू प्रसाद के विरोध के राजनीति पर 2005 में उस सत्ता में आई रहन, भले 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक प्रयोग करे के कोशिश के लिए जना में सफल भी रहे, लेकिन सफलता उनकर बहुत लंबा ना चल सकल। नीतीश कुमार समझ गए ले कि लालू प्रसाद के साथ रहला से उनका व्यक्तिगत और पार्टी दोनों तरफ नुकसान बा, जो कि खाली फिर एक साल में उनका बुझा गई बा। एक तो उनकर करीबी लोग धीरे धीरे खसक गई, RCP सिंह खसक गई ले, एकरा बाद रुआ देखने की उपेंद्र कुशवाहा के ले आई रहन जना मकसद से खसक गई ले, एकरा साथ साथ उनकर वोट बैंक खसके लागल। जन OBC और EBC के दम पर नीतीश कुमार कहते रहन कि हमारा 16% वोट बा और हमारा वोट के बिना ना बिहार में केहू केंद्र में अपन कुर्सी ले सकेला और ना बिहार में केहू हमारे संगे सरकार में रह सकेला। नीतीश कुमार एकरा के प्रमाणित भी कैले 3 चुनाव में। अब नीतीश कुमार के उहे जन वोट बैंक बा वो धीरे धीरे ओकरा में सेंधमारी शुरू हो गई बा। भारतीय जनता पार्टी से अलग भइला और लालू प्रसाद के साथ गइला के बाद OBC के वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटके के शुरुआत हो गई बा। गैर यादव जन वोटर बाड़े वो कुशवाहा के साथ साथ मिल करके और एक अलग नेक्सस पैदा कर रहा बा जौन की एक गठबंधन से बाहर जाई। तो निश्चित रूप से एक गठबंधन से बाहर जाई तो इंडिया गठबंधन के वोट जन छटकी वो NDA में जाई और NDA के जन छटकी इंडिया गठबंधन में जाई। नीतीश कुमार के वोट खसकला के मतलब बा कि जौन दावा हो रहा बा 40-48% वोट के वो वोट में कमी नजर आई और उकरा में अगर नीतीश कुमार के 16% में से 8% वोट घट गई, हम बेसी ना 50-50 के बात करता नहीं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार चाह के भी वो काम ना कर सकेले जौन 2019 में वो कैले बाड़े। 2014 में अलग अलग चुनाव लड़के दोनों आदमी देख ले बालो, लेकिन अगर एक साथ भी चुनाव लड़ता रहे तो वो स्थिति पैदा ना हुई नीतीश कुमार 16 सीट तक ना जीत सकेले। ये बात अब धीरे धीरे कई सर्वे में भी बात सामने आ गई बा। नीतीश कुमार के सीट घटत नजर आ रहा बा तो वही लालू प्रसाद की जो स्ट्रेटजी बा वो स्ट्रेटजी से यादव वोटर और मुस्लिम वोटर अगर एकजुट हो गई ले और कांग्रेस को में सहयोग रहल तो ई लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या NDA के विरुद्ध मजबूत हुई। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मुलाकात के लेकर के कयास और चर्चा दोनों शुरू हो गई बा कि का नीतीश कुमार खाली फिर से पाला बदली है। नीतीश कुमार के लगे ऑप्शन बहुत बा। नीतीश कुमार के पैचअप के बाद कहल जा रहा बा कि अब दोनों में पैचअप हो गई बुड़ुए और ये पैचअप के जो स्थिति पैदा हो रहा बा या हुई ओकरा खातिर लालू प्रसाद के प्लान भी तैयार बा। अब के आई लालू प्रसाद नीतीश कुमार के डैमेज करे खातिर बहुत सारा काम कर चुकल बाड़े और नीतीश कुमार ये बात के समझ गई बाड़े। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से NDA के तरफ आ जाए हैं तो उनकर वोट जो NDA गठबंधन में शिफ्ट होकर के बात कहल जा रहा बा वो उनका फिर से वापस हो सकेला और ऐसा स्थिति में ये लड़ाई फिर से एक बार NDA वर्सेस इंडिया हो जाए और नीतीश कुमार के एक खाली फिर से वो स्थान मिल सकेला, भले 16 सीट मत मिले लेकिन सीट तो मिल सकेला। कांग्रेस के कोई भी नेता से वो बात करब तो ये बात के तैयारी
जरूर करत हुई हैं कि उनका अधिक से अधिक लोकसभा में जीते के चाहिए, सीट पर चुनाव लड़े के चाहिए। कारण कि देश में अगर प्रधानमंत्री बनावे की बात हुई तो कांग्रेस में नंबर वन पर बात। वो ये राष्ट्रीय जनता दल के कोनो नेता से बात हुआ कले तो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात वो चिचिया चिचिया के कहे खातिर तैयार बढ़े कि नीतीश कुमार के साथ अला के बाद राष्ट्रीय जनता दल में भीतरे भीतर डर अमाइल बा कि पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रहा बा और खास करके लोग चिंतित भी बा जौन इन्हें बीच में फैसला भइल है। तो वही दूसरा तरफ हुआ जनता दल यूनाइटेड के कोनो नेता के बगल में बैठाई और उनका से पुल्हा पुल्हा के पूछी कि भाई हम तोहर कोनो बात ना कहब केहू से, हमरा के साथ साथ बताओ तू खुश बाड़न। वो जौन कहीं है वह भरोसा विश्वास ना हुई। कई गो ऐसा फ्रंट बा जौन फ्रंट पर जनता दल यूनाइटेड टूट के कगार पर खड़ा बा। अब नीतीश कुमार खातिर को बड़ा चुनौती बा ओकरा के संहारे के भी। बीच में रुआ लोग से बतौले नहीं कि वशिष्ठ नारायण सिंह के सामने ले आवल गई रहे जौना से कि पार्टी में चूंकि सम्मानित नेता बाड़े वरिष्ठ बाड़े उनकर बात के काटे ना, यह चलते उनका के बैठावे के शुरू भई रहे। कुछ माहौल सुधरा भी रहे लेकिन अब अस्थायी रूप से सुधारे खातिर नीतीश कुमार के कोई बड़ा फैसला लेवे को हुई। दुख हेमा में बटल जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के फैसला के इंतजार कर रहा बा। तो दूसरा तरफ कांग्रेस और लालू प्रसाद प्लान बी तैयार कर रहे बड़े जौना में नीतीश कुमार के नील डाउन करे खातिर अब तैयारी शुरू हो गई बा। 18 साल के राजनीतिक नीतीश कुमार के इतिहास और सत्ता के इतिहास में पहला हाल ऐसा मौका आ रहा बा जब नीतीश कुमार एने जाई कि उन्हें जाई कि फैसला निखन कर पाओ और दोनों तरफ उनका खातिर निश्चित रूप से कठिन डगर बा और यह डगर पर चलना नीतीश कुमार खातिर आसान नहीं है। जुड़ल रही सब खुटा ठोक पर। अब कोशिश करब कि रुआ लोग से रोज भेंट होके रुआ लोग अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब सब है। गोर लगा।